मुंबई के बोरीवली पश्चिम MHB पुलिस ने फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया जो फ्लिपकार्ट कंपनी में रखे महंगे मोबाइल को चुरा कर बेचते थे। उसी पैसे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई के बाहर जाकर रंगरलियां मनाते थे। मुंबई और गुजरात से अब तक 15 मोबाइल को जब्त किया गया जिसकी कीमत करीब 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने फ्लिपकार्ट मैनेजर प्रणय धवल, दूसरे साथी सागर राजगोर और भूषण गांगन को मुंबई के अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया। ये आशीष मिजाज डिलीवरी बॉय मोबाइल बेचकर आपस में बांटकर माशुका के साथ क्लब में रंगरलियां मनाते थे। बता दें कि फ्लिपकार्ट कंपनी के मैनेजर ने MHB पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि फ्लिपकार्ट कंपनी में मोबाइल का ऑर्डर कैंसिल होने पर जो मोबाइल वापस कंपनी में आता था उसकी लगातार चोरी हो रही है। अब तक दर्जनों मोबाइल गायब हुए। शिकायत दर्ज करने के बाद MHB पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की। पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के CCTV फुटेज खंगाले जिसमें मैनेजर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। जांच में ये पता चला कि कंपनी का मैनेजर और डिलीवरी बॉय ही मोबाइल चोर है। MHB पुलिस स्टेशन में 1 नवम्बर 2022 को फिरियादीनामे अभिषेक साहिल इन्होंने एक FIR दर्ज किया था। वो FIR ने उन्हें उनकी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसमें से बहुत सारे मोबाइल चोरी हो रहे हैं ऐसा उन्होंने एक FIR दाखिल किया था। हमने जब भी उनके कंपनी के CCTV कैमरे फुटेज जब भी देखे तभी उसमें वहाँ के ही जो डिलीवरी बॉय करके काम कर रहे उन्होंने वो चोरी की है। सर बताया जा सकता कि ये अपनी वो पीस करने के लिए ये चोरी क्या करते थे? हाँ, ये तीन जो आरोपी हमने अरेस्ट किया है उनका नाम है प्रणव जवल, भूषण गंगन और हितेंद्र राजगोर। इन्होंने ये जो 15 मोबाइल चोरी की है उसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 3,71,000 और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये बोला था कि हमें वो मजा करना था गर्लफ्रेंड के साथ और उसी कारण वो लोग ने चोरी की है। आरोपी ने जो 15 मोबाइल हमने जो रिकवर किया उसमें से 11 मोबाइल हमने जामनगर गुजरात से किए हैं, बाकी के 4 मोबाइल हमने कांदेवली गोराही और दहीसर से किए हैं और ये आरोपी ये कांदेवली और दहीसर के बीच में ही रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कोई और मामला दर्ज? वो हम अभी वो जांच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कंपनी के मैनेजर सागर राजगोर की मिलीभगत से ऑर्डर कैंसिल हुए मोबाइल को चुरा कर उसे बाहर सस्ते दामों में बेचने का काम किया जाता था। उसे मिले पैसे से तीनों साथी सागर राजगोर 25 वर्षीय, भूषण गंगन 21 वर्षीय, प्रणय धवल 19 वर्षीय मिलकर अपनी अपनी माशुका के साथ रंगरलियां मनाते थे। फिलहाल तीनों की गिरफ्तारी के बाद उनके पास से अब तक 15 मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार ये लोग काफी लंबे समय से ऐसे मोबाइल को चुराकर मुंबई और गुजरात में बेचने का काम करते थे।